दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों इंटरनेट पर वायरल हो रही ये धमाकेदार वीडियो तो आपने देखी होगी, जहां कुछ बच्चे जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तख्ती लेकर जा रहे हैं, रोते रोते उसे आसमान में दफन कर रहे हैं और BSNL का बैनर अपने गले में डाले बच्चे को कंधे पर उठाकर नाच गाना गा रहे हैं। और सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, इंटरनेट पर BSNL को लेकर पूरा हाहाकार मचा हुआ है। एक अपील भी जारी कर दी गई है कि BSNL में स्विच करें। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर बस BSNL का धमाका मचा हुआ है और इन सब में सबसे ज्यादा जो बैंड बजी है वो अंबानी जी के जियो की। इसके बारे में कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का खर्चा जनता की जेब से निकाल रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल चल रहा है, क्या वाकई में लोग BSNL में सिम पोर्ट करवा रहे हैं या फिर सिर्फ ये अफवाह है? क्या इसके पीछे का पूरा सच आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना दोस्तों। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पिछले दिनों जियो के बढ़ते दाम को लेकर कैसे बवाल मचा था ये तो आप देख ही चुके हैं। एक बार जियो ने अपना टैरिफ रेट बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल और वोडाफोन ने भी देखते ही देखते महंगाई से परेशान जनता का खून चूसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का रेट 20-25% तक बढ़ चुका है, क्योंकि कंपनियां प्रति यूजर अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहती है, इसलिए अपने प्लान को बढ़ाने का फैसला कर लिया। जनता परेशान है कि आखिर करें तो करें क्या। इस पर BSNL मौके पर चौका मारते हुए अपनी वापसी करता है और जनता को ये आश्वासन दिलाता है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम आपको सस्ता टैरिफ प्लान प्रोवाइड करवाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, BSNL ने टाटा कंपनी के साथ मिलकर अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने का भी ऐलान कर दिया है और लगातार पूरे भारत भर में टावर लगाने की भी शुरुआत कर दी है, ताकि घर घर में BSNL की सर्विस पहुंच जाए। और इसी वजह से जो लोग पहले BSNL को गालियां देते थे, कहा जाता था कि भारत सरकार द्वारा संचालित BSNL सिर्फ नाम की ही कंपनी है, यहाँ पर सिर्फ धोखेबाजी होती है, जनता को ठगा जाता है, कस्टमर का ध्यान नहीं रखा जाता वगैरह वगैरह, अब वही लोग BSNL में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों को टाटा बाय बाय कहकर भारत सरकार की BSNL पर भरोसा दिखा रहे हैं। अगर आंकड़े देखें तो ये बात साफ होती है कि BSNL की बल्ले बल्ले हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में BSNL के सिम की बिक्री कई गुना बढ़ गई है और दूसरी कंपनियों के लिहाज से BSNL में सिम पोर्ट करवाने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत भर में BSNL के हर रोज हजारों सिम बिक रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में ग्राहक BSNL को अपना रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजस्थान में मात्र एक महीने में 1,61,000 के करीब लोग BSNL से जुड़े हैं। इसी अवधि में एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,15,08 ग्राहकों ने अलविदा कह दिया। वैसे BSNL की ओर जाने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि BSNL भारत की गरीब और मध्यम वर्गीय क्लास से जुड़ी जनता को कई सारे किफायती प्लान्स ऑफर कर रहा है। अब जैसे कि आप BSNL का 107 रुपए वाला प्लान ही देख लीजिए, जिसमें 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 3G 4G डेटा मिलता है और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। BSNL के 197 के प्लान में 70 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें 2G 4G अनलिमिटेड कॉलिंग और पहले 18 दिनों के लिए रोज 100 SMS मिलते हैं। अगर 2 रुपए और बढ़ा दिया जाए तो BSNL का 199 रुपए वाला प्लान ले लिया तो 70 दिन की वैलिडिटी में अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा मिलता है। यानी कि ये ऐसे लोगों के लिए जिन्हें इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें सिर्फ कॉल करने के लिए अपने फोन में बैलेंस चाहिए होता है। लेकिन आजकल की जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, उनका तो सीधा सा उसूल है कि आपको हर महीने करीब 250 रुपए का टैरिफ पैक करवाना होगा,
फिर चाहे आप इंटरनेट इस्तेमाल करो या ना करो। जबकि BSNL अपने उन ग्राहकों के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन वॉइस कॉलिंग का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए इतने सस्ते प्लान लेकर आया है जहां 200 रुपए में आराम से 2.5 महीने के लिए आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। और अगर 397 का प्लान कर लिया पूरा तो इसमें पूरे 5 महीने की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें से 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा भी मिलता है। BSNL के 797 रुपए प्लान में तो पूरे 300 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जहां इस प्लान के अंदर 60 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा उपलब्ध करवाया जाता है। और BSNL का जो सबसे महंगा प्लान है वो है 1999 रुपए का, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको 600GB 4G डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, BSNL ट्यून्स और अन्य कई सर्विस भी इस प्लान में शामिल होती है। दोस्तों, इन सारे प्लान्स को देखकर आप समझ चुके होंगे कि क्यों लोग BSNL की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खास करके गांव देहात में रहने वाले लोग। पर इन सभी फायदे में एक नुकसान भी है। जो एक बड़ा नुकसान है वो ये कि जियो एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां पूरे देश में 5G सर्विस देती है, जबकि BSNL अभी 4G पर ही अटका हुआ है। लेकिन इसकी भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BSNL ने वादा किया है कि वो जो नए टावर इंस्टॉल करवा रहा है उसमें अपग्रेड करने की क्षमता है। यानी कि अभी भले ही BSNL 4G सर्विस दे रहा है, पर आने वाले 1 साल में BSNL 5G हो जाएगा। इतना ही नहीं, BSNL के यूजर कम होने की वजह से इसकी जो 4G सर्विस है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 5G मोबाइल नहीं है, वो 4G मोबाइल फोन से ही काम चलाते हैं और ना ही वो आने वाले कुछ सालों में नया फोन लेने का विचार कर रहे होंगे, क्योंकि ये देश के ऐसे लोग हैं जो महंगा मोबाइल फोन नहीं बल्कि घर पर 2 वक्त की रोटी आ जाए उस बात पर यकीन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हर महीने जियो एयरटेल वोडाफोन के प्लान्स को खरीदना काफी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अब BSNL ने उस काम को आसान कर दिया है। पर ये सब कुछ तब और बेहतर हो जाएगा जब BSNL अपनी कस्टमर सर्विस अच्छी कर दे, अपने आप को अपग्रेड कर ले जैसे बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने किया। अगर ऐसा हो गया तो वाकई में पूरे देश में तहलका मच जाएगा, कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी टिक ही नहीं पाएगी और हजारों करोड़ की शादी करवाने वाले अंबानी जी तो इतने बुरे तरीके से हैरान परेशान होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब BSNL की बेहतर सर्विस और सस्ते प्लान्स की वजह से जियो और एयरटेल की दुकान बंद हो जाएगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना जरूर। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।